इन अ लॉन्ग टाइम मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी और आज मैं आ चुका हूँ ब्रेकफास्ट वीडियो के लिए एंड दिस इज माई फर्स्ट ब्रेकफास्ट वीडियो और बहुत ज़्यादा सोचने के बाद अब हम आए एस्प्रेसो डॉलमेन मॉल. सो अभी हमने ऑर्डर कर दिया है और ये इनके पास मेन्यू के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो आई थिंक दैट्स अ न्यू वन. आप उसमें स्कैन कर सकते हैं और आपके पास फ़ोन में मेन्यू आ जाता है और ये अलग से भी ला के देते हैं. सो जैसे ही फूड आता है फिर हम ऑर्डर शुरू करें. सो अब हमारा खाना आ चुका है तो चलो अब इसको ट्राई करते हैं. सो आप लोग सोच रहे होंगे मैं ब्रेकफास्ट में क्या खा रहा हूँ. आप लोगों को तो मेरी जितनी वीडियोज़ देखी होंगी आप लोगों को ये तो पता होगा कि एल्फ्रेडो पास्ता इज़ वन ऑफ माई फेवरेट और मेरा सैंडविच भी है वो और भी शेक आ रहा है. तो जब तक ये ट्राई करते हैं दिखने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है और वेट नहीं हो रहा लेकिन बहुत टेस्टी है ये. गाइस इतना मज़े का वाइट सॉस पास्ता मैंने कभी नहीं खाया. इतने दिनों से मेरा बाहर खाने का दिल चाह रहा था और आज बहुत मज़ा आ गया है. और इनकी वाइट सॉस का जो बैलेंस है ना, मैं भी दरअसल घर पे वाइट सॉस पास्ता बनाया हुआ है तो अगर वाइट सॉस बैलेंस ना हो तो मज़े का नहीं लगता. बहुत मज़े का इनका. आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा. मैं इसको 10/10 देना चाहूँगा. और आज तक मैंने जितने भी वाइट सॉस पास्ता खाए ये उनमें बेस्ट है. मुझे आज नाश्ता करके बहुत मज़ा आया. अभी मेरा सैंडविच आ रहा है और चॉकलेट शेक आ रहा है. सो गाइस ये मेरा चॉकलेट शेक आ गया है और ये सैंडविच है. मुझे तो नहीं लगता कि ये उसके सामने टक्कर का नहीं लगेगा लेकिन ट्राई कर लेंगे. ट्राई करने में क्या है. फिलिंग देख सकते हैं, फिलिंग बहुत अच्छी की दी है इन्होंने. ऑमलेट है अंदर, कैबेज है और टोमेटो है. मतलब मज़े का है लेकिन टक्कर का नहीं है बस. ये वो बहुत मज़े का है. मैंने अपने मज़े की चीज़ आज तक, मैं सीरियस बता रहा हूँ, मैं इसको 10 में से 7 रेट करूँगी लेकिन उसका लेवल ही और है भाई. मैंने इतने मज़े की चीज़ नहीं खाई. और चॉकलेट शेक में चॉकलेट शेक बहुत मज़े का है. और ये रेस्टोरेंट एस्प्रेसो है जो मैं आपको पहले बताया हो और ये डॉल्फिन मॉल में लोकेटेड है. आप ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा. एल्फ्रेडो पास्ता खाना भूलिएगा मत. बहुत मज़े का है ये. और ये सीज़र सैलेड तो मैंने ट्राई नहीं किया, टाइम ही नहीं मिल रहा. अब इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं तो अब ये इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं. और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं एंड ऑफ ईयर. इसके बाद छुट्टियाँ जून जुलाई, तो उसमें मैं ज़रूर अपनी ब्लॉग लगाऊंगा और पूरी कोशिश करूँगा उसमें आप लोगों को सबसे ज़्यादा टाइम दे सकूँ. और बहुत मज़े का है, ज़रूर ट्राई करिएगा. और चॉकलेट शेक को मैं रेट करना चाहूँगा 10 में से 8. टीवी बहुत मज़े का और ओवरऑल यहाँ का माहौल सब बहुत अच्छा है. सो आप ज़रूर यहाँ आइएगा. आई रिकमेंड दिस रेस्टोरेंट एंड ख़ास तौर पर ये एल्फ्रेडो पास्ता. तब तक के लिए चलता हूँ. अल्लाह हाफिज़. गाँव में याद रखिएगा.